प्यारे बच्चों, हम लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़ रहे हैं और हमारा चैप्टर भी ऐसा है कि ठीक इस ऑनलाइन क्लास की तरह इस कोविड 19 पेंडेमिक के दौर में हम ब्लैक बोर्ड और चाक से हटकर इस वर्चुअल क्लास में आ गए हैं। ठीक इसी तरह जो हमारा ये टॉपिक है संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक, कक्षा 6 में आपने पढ़ा तंतुओं से रेशे तक, कक्षा 7 में आपने पढ़ा रेशे से वस्त्र तक। ऐसा क्या हो गया कि अब हमें संश्लेषित रेशा मीन्स मानव निर्मित रेशा की जरूरत है? किस लिए? वस्त्र के लिए। और प्लास्टिक की जरूरत है क्योंकि धीरे 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 जो प्राकृतिक संसाधन हमारे थे जिनसे हम रेशा बनाते थे, क्लास 6 में आपने वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा पटसन के बारे में, आपने पढ़ा जूट के बारे में, क्लास 7 में आपने जांतव रेशे के बारे में पढ़ा, जंतुओं द्वारा प्राप्त रेशा, उसमें आपने रेशम के बारे में पढ़ा, उसमें आपने ऊन के बारे में पढ़ा। लेकिन अभी इस बदलते परिवेश में इस संश्लेषित रेशे की जरूरत हमें पड़ी जो मानव निर्मित रेशा कहलाता है और फैक्ट्रियों में बना। इनमें 3-4 प्रमुख रेशे हैं जिनके बारे में हमने सुना है और आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे नायलॉन, रेयान, टेरिलिन, टेरिकॉट, ये सब कपड़े प्रचलन में जिन्हें हम आजकल पहन रहे हैं। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये फैक्ट्रियों में, और जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेसाइज किया जाता है, इसीलिए उनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है या संश्लेषित रेशा कहा जाता है। कुछ नाम में हमें लिख देता हूं, नायलॉन, रेयान, टेरिकॉट, टेरिलिन, पॉलिस्टर इत्यादि, ये कुछ ऐसे रेशे हैं जो मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं और इन्हीं के बारे में हम लोगों को आगे विस्तार से पढ़ना है। बाकी आपसे हमारा एक अनुरोध है कि आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए अगर नहीं लिया है आपने, और टेक्स्ट बुक में चैप्टर को खूब थॉरली पढ़ जाइए। कल फिर हम लोग विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे।